आजकल के बच्चों में नूडल्स खाने का रुझान बहुत ज्यादा है और माओ को भी ये चीज बहुत ज्यादा आसान लगती है कि रात का खाना नहीं खाना, चलो नूडल्स बना देते हैं। जबकि हम नूडल्स के पैकेट को पढ़ने की जहमत नहीं करते, जबकि नूडल्स में नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस चीज में नमक ज्यादा है वो हमारे लिए ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की जो है वो वजह बनती है। उसके अलावा नूडल्स में एक कंपाउंड होता है, उसको MSG कहते हैं, जिसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और ये एक एडिक्टिव कंपाउंड होता है। यानी कि बच्चा एक दफा चीज खाता है उसको बार बार उस चीज की तलब होती है। और इसके अलावा ये MSG एक ऐसा कंपाउंड है कि इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये जो है हमारे DNA को भी चेंज कर देता है। इसके अलावा नूडल्स में जो है वो एम्प्टी कैलोरीज मौजूद होती है। एम्प्टी कैलोरीज मतलब कि इसमें हमें कोई भी गजाइत नहीं मिलती, बच्चे को गजाइत नहीं मिलती, और इसमें सिर्फ और सिर्फ उसको कैलोरीज मिलती हैं, जो कि उसके मोटापा, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों की वजह बनता है। इसके अलावा नूडल्स जो है ये बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हाइपर एक्टिविटी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा ही वो एक्टिव होते हैं, या उनको डिप्रेशन वगैरह या उनको एंग्जाइटी वगैरह के जो है वो मसाइल दरपेश आते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को पैकेट वाले फूड से दूर रखें। नूडल्स आप हर महीने में एक या दो दफ़ा इस्तेमाल कर लें, लेकिन रोजाना के बेस पे इसको खाना जो है इससे गुरेज करें। शुक्रिया।